हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल आईसीआईसीआई बैंक से कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। तो इसके लिए मैं चलती हूँ मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पे। मैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पे आ चुकी हूँ। यहाँ हमें सर्च में टाइप करना है इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऑनलाइन। गाइज, यहाँ पे हमें पहले लिंक पे क्लिक करना है, www.indusind.com। इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हम इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें क्लिक करना है मेक पेमेंट्स पे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। गाइज, अब हम अगली पेज पे आ चुके हैं, इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्विफ्ट पे पे। हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। अब हम अगली पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। गाइज, इस पेज पे हमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। गाइज, यहाँ पे हमें सबसे पहले इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद कार्ड नंबर दोबारा एंटर करना है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, पेमेंट अमाउंट लिख करके हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। गाइज, मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। गाइज, अब हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिसे हम पेमेंट करना चाहते हैं। गाइज, यहाँ पे चार बैंक शो हो रहे हैं। गाइज, अगर आपका और कोई बैंक है तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करती हूँ। गाइज, अब हमें इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। इसके लिए या तो हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज़र आईडी से। मैं आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करके दिखाती हूँ। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ। अब हमें यहाँ पे अपना एटीएम पिन नंबर एंटर करना है। मैंने पिन एंटर कर दिया, अब मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करती हूँ। गाइज, अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा हमें एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। मैंने ओटीपी एंटर कर दिया, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ। गाइज, इस पेज पे हमें रिमार्क लिखना है कि हम किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। मैंने फैमिली लिख दिया है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। गाइज, अब आपके कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो लिखना है आपको। इसमें हमसे पूछा है सी डी और एच का, इसके नंबर लिखने हैं हमको। मैंने नंबर्स लिख दिया है, अब मैं पे पे क्लिक करती हूँ। गाइज, इस पेज पे शो कर रहा है योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, मतलब हमने क्रेडिट कार्ड का बिल सक्सेसफुली जमा कर दिया है। गाइज, अभी ये हमें ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे भी स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस। यहाँ पे दिखा रहा है मैंने 7,688 रुपये सक्सेसफुली जमा किया है। गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। तो गाइज, ये था पूरा वीडियो कि आप इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल आईसीआईसीआई बैंक से कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।